हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। वैसे दोस्तों, श्रुति झा ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से टीवी इंडस्ट्री में अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई है, और ये आज की डेट में पहचान की मोहताज नहीं है। टीवी सीरियल दिल से, दुआ सौभाग्यवती भव और कुमकुम भाग्य से इन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली है। श्रुति टीवी सीरियल्स के साथ साथ रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं, और ये टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीवी एक्ट्रेस श्रुति झा की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में, जो कि इस समय नजर आ रही हैं। जी, टीवी के पॉपुलर शो कैसे मुझे तुम मिल गए में जहां पर ये लीड रोल प्ले कर रही हैं। इस वीडियो में हम आपको श्रुति झा की लाइफ और इनकी जर्नी के बारे में सभी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हों। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आप भी श्रुति झा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका फुल नेम है श्रुति झा और निक नेम है झल्ली एंड टीटू। प्रोफेशन की बात करें तो ये टीवी एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1986, और अभी इनकी एज है 37 ईयर्स। इनका बर्थ प्लेस एंड होम टाउन बेगूसराय बिहार इंडिया है, और अभी ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहती हैं। रिलीजन की बात करें तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं, और नेशनैलिटी से इंडियन हैं। इनका जोडियक साइन पाइसीज है। अब जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनके फादर का नेम है मिथिलेश झा एंड इनकी मदर का नेम है रीता झा। इनकी एक बड़ी सिस्टर भी हैं जिनका नेम है मीनाक्षी झा। इनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नेम है शशांक झा। इनकी फैमिली आप इमेज में देख सकते हैं। हॉबी की बात करें तो इन्हें ट्रैवलिंग, रीडिंग एंड पोएम राइटिंग पसंद है। अगर बात करें फिजिकल अपीयरेंस की तो इनकी हाइट है अप्रॉक्स 165 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फीट 5 इंचेस, एंड वेट है अप्रॉक्स 53 kg। तो चलिए अब बात करते हैं इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन मॉडर्न इंडियन स्कूल काठमांडू नेपाल से कंप्लीट की है, एंड अपनी आगे की स्कूलिंग इन्होंने लक्ष्मण पब्लिक स्कूल दिल्ली इंडिया से कंप्लीट की है, एंड अपना कॉलेज इन्होंने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया से कंप्लीट किया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो अब जान लेते हैं इनके कैरियर और जर्नी के बारे में। श्रुति का बॉर्न होने के बाद उनकी फैमिली कोलकाता शिफ्ट हो गई, जहां पर उनकी फैमिली 10 साल तक रही। इसके बाद वे काठमांडू नेपाल चले गए और फिर कुछ टाइम बाद दिल्ली आ गए। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो तो हम आपको बता दें कि अगर आपने फाल्गुनी पाठक का 2001 का पॉपुलर सॉन्ग ओ पिया देखा हो या सुना हो, तो उसमें जो लीड एक्ट्रेस हैं वो श्रुति झा ही हैं। श्रुति ने अपना टीवी डेब्यू 2007 में डिज्नी इंडिया के टीवी शो धूम मचाओ धूम से किया, जहां पर इन्होंने मालिनी शर्मा का रोल प्ले किया। इसके बाद 2008 में ये टीवी शो जिया जले में सुनैना कोटक के किरदार में नजर आईं। 2009 में इन्होंने स्टार प्लस के टीवी शो शौर्य और सुहानी में काम किया और राजकुमारी सुहानी का रोल प्ले किया। इसी साल ये टीवी शो ज्योति में भी नजर आईं, जहां पर इन्होंने सुधा का किरदार निभाया। फिर 2010 में इन्होंने टीवी सीरियल रक्त संबंध में काम किया और संध्या का किरदार निभाया। 2010 में ही इन्होंने टीवी शो नचले वे विद सरोज खान और मीठी छुरी नंबर 1 में पार्टिसिपेट भी किया। फिर 2011 से 2013 तक इन्होंने लाइफ ओके के पॉपुलर टीवी शो दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव में काम किया और जाह्नवी और सिया का लीड रोल प्ले किया। इनका ये रोल लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया, और ये शो इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इससे इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद ये रुकी नहीं और एक से एक सीरियल करते चली गईं। 2013 में ही इन्होंने पॉपुलर टीवी शो बालिका वधू में भी काम किया और गंगा का किरदार निभाया। इसके 2014 से 2021 तक इन्होंने जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य में काम किया और प्रज्ञा अरोड़ा मेहरा का रोल शबीर अहलुवालिया के साथ प्ले किया। इस शो में इनकी और अभी यानी कि शबीर अहलुवालिया की जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया कि ये शो सुपरहिट साबित हुआ, और इनकी जोड़ी को इनके फैंस ने अभिज्ञा नाम दिया। इसी सीरियल के लिए उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। 2015 और 2016 में बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीड रोल एंड बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी का अवार्ड मिला, और 2019 में इन्हें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा का अवार्ड मिला। फिर 2022 में ये रोहित शेट्टी के रियलिटी शो
खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में कंटेस्टेंट के तौर पर दिखाई दीं और ये 10th पोजीशन पर रहीं। इसी साल इन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा सीजन 10 में पार्टिसिपेट किया और 4th प्लेस पर रहीं। 2023 में इन्होंने स्टार भारत के शो सौभाग्यवती भवन नियम और शर्तें लागू में काम किया और घोस्ट जाह्नवी डोबरियाल का किरदार निभाया। नवंबर 2023 से ये नजर आ रही हैं। जी टीवी के शो कैसे मुझे तुम मिल गए में जहां पर ये अमृता यानी कि अमू का लीड रोल अर्जित तनेजा के साथ प्ले कर रही हैं, इन दोनों की जोड़ी तो लोगों को काफी पसंद आ रही है। लेकिन वहीं कुछ फैंस का कहना है कि अर्जित एंड श्रुति का रिश्ता कुमकुम भाग्य में देवर भाभी का था, जिस वजह से वे इस सीरियल में दोनों को कपल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बाय द वे दोस्तों, वैसे आपको श्रुति की जोड़ी किसके साथ सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको इनका कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये अनमैरिड हैं, और रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो वह पहले अपने दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव के एक्टर हर्षद चोपड़ा को डेट कर रही थीं। उन्होंने लगभग एक साल तक डेट किया, लेकिन जल्द ही उनके ब्रेकअप की खबरें फैल गईं। इसके बाद 2018 में खबर आई कि श्रुति टीवी एक्टर कुणाल कपूर को डेट कर रही हैं, लेकिन श्रुति और कुणाल ने हमेशा एक दूसरे को गुड फ्रेंड्स ही बताया। अभी की बात करें तो कुछ वेबसाइट्स का कहना है कि श्रुति अर्जित तनेजा को डेट कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ का कहना कि ये दोनों पहले से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमें तो इस बात को लेकर कुछ कंफर्मेशन नहीं मिली। अगर आप कुछ जानते हैं तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं इनके मनी फैक्टर के बारे में। सैलरी की बात करें तो ये लगभग 75,000 से 1,00,000 रुपए पर एपिसोड चार्ज करती हैं, और इनकी नेटवर्थ है लगभग $5 मिलियन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।